वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मोड पे हम आ चुके हैं और मोड के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में द रेट ऑफ सेल टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स पेड बाय द 400 शॉपकीपर्स ऑफ अ मार्केट ड्यूरिंग ऑन द असेसमेंट ईयर रेंज फ्रॉम 0 to 25%। द सेल्स टैक्स बाय 18% ऑफ देन वॉज नॉट ग्रेटर देन 5%। The median rate of the sales tax was 10% and the 75th percentile rate of the sales tax was the 15%. If only 8% of shopkeeper paid sales tax at the rate of greater than 20% but not the greater than 25%. Summarize the information in the form of the frequency distribution taking intervals of 5%. Clearly mention kar rakha hai ki intervals 5% ka lena hai. Also find the mode rates of the sales tax. तो बच्चे इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि 2019 में बीकॉम ऑनर्स में भी आया हुआ है, 2003 में भी रिपीट मारा हुआ है। तो ऐसा आप नहीं सोच सकते कि जो बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है वो अब दोबारा नहीं आ सकता है। जब 2003 का क्वेश्चन आपका 2019 में आपके पास में आ सकता है 16 साल बाद भी, तो आप इस बात के आप रखेंगे कोई सा भी क्वेश्चन हो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम मोड निकालें, तो मोड को निकालने से पहले एक टेबल हम डेवलप कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखेंगे टेबल। कुछ इस तरीके से टेबल ले लेते हैं। यहां पर हम रेट ऑफ सेल टैक्स ले लेंगे, इसमें हम जो है शॉपकीपर्स के जो परसेंटेज गिवन है कि कितने शॉपकीपर्स क्या रेट ऑफ सेल टैक्स, अभी कोशिश समझाऊंगा पूरा मैं आपको क्या है। चलिए देखो बच्चे, तीन चीजों पर चर्चा हो रही है। एक तो आपके पास रेट ऑफ सेल टैक्स परसेंटेज में दिया हुआ है, वो भी परसेंटेज रेट ऑफ सेल्स टैक्स, एक तो इस पे बात कर रहे हैं और एक आपके पास में परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर, एक आपका परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर दिया हुआ है और एक आपके पास में परसेंटेज में नहीं है, नंबर ऑफ शॉपकीपर, नंबर ऑफ शॉपकीपर इसकी बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इसी की होगी, लाइक फ्रीक्वेंसी हो गया ये। अब आप यहां पर करते बच्चे, ये कह रहा है 5-5% का आप जो सेल टैक्स है इसमें 5-5% का आप इंटरवल ले लेंगे। तो बेसिकली इंटरवल कहां किस में लिया जाता है, सीरीज तीन टाइप की होती है ना आपकी, सीरीज आपकी तीन टाइप की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। तो यहां पर आपके पास में इंटरवल कंटीन्यूअस सीरीज में आता है जो कि 5-5% का ले लेना है आपने। तो 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 20 and 22, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास में। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर बात करते हैं हम शॉपकीपर्स थे, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास में 400 है, 400 शॉपकीपर, टोटल नंबर ऑफ शॉपकीपर कितने 400 है। क्या कहते हैं अब मार्केट ड्यूरिंग द, अब देखिएगा बच्चे 0 to 25% तक का जो है सेल्स टैक्स है और 400 शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर में से
ऐसा नहीं है कि 400 के 400 जो है एक ही सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ शॉपकीपर का डिफरेंट स्लैब है, कुछ का डिफरेंट स्लैब है, तो ये वही उसी का डिस्क्रिप्शन आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी की डिटेलिंग आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन में आगे क्या है आपके पास में, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द सेल्स टैक्स पेड बाय 18% ऑफ देम वॉज नॉट ग्रेटर देन 5%, मतलब कि 400 जो आपके पास में शॉपकीपर है इसमें से 18% शॉपकीपर जो आपके पास में है, तो इसका मतलब आपके पास में हो गया 72 जो शॉपकीपर है ये ऐसे हैं जो कि 5% से ज्यादा टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर मैं आपके पास में कितने जीरो से लेकर के 5% तक के कितने नंबर ऑफ शॉपकीपर्स हैं, कितने परसेंट है, 18% ऐसे शॉपकीपर हैं जो कि कितने हो गए, नंबर ऑफ शॉपकीपर में कन्वर्ट करोगे 400 का 18%, 72 ऐसे शॉपकीपर हैं। बात समझिए बच्चे इस बात को। आगे क्या कहता है, द मीडियन रेट ऑफ सेल्स टैक्स वॉज 10%। इसका क्या मतलब है, मीडियन का मतलब होता है आधा, तो आधे लोग जो हैं, आधे लोग जो कितना टैक्स 10% तक टैक्स भरते हैं। हेलो, आ जाओ। हाँ जी बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीडियन शॉपकीपर मतलब कि आधे शॉपकीपर 10% तक टैक्स भरते हैं, तो मतलब 50% शॉपकीपर ऐसे जो 10% तक भरते हैं, ठीक है, इस बात को मानते हैं। तो उस 50% में से 18% का तो मुझे क्लियर मालूम है कि भैया वो 0 से 5% तक भरते हैं, तो बाकी जो आपका 32% है वो कहां टैक्स दे रहे हैं, वो आपका 5 से 10% में दे रहे हैं बाकी 32%। तो बस अब आपने करना क्या है, अब आपको जो है 400 में से इसका 32%, ये सारी चीजें ना वैसे यहां पर होनी चाहिए थी, ये कॉलम थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ शॉपकीपर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपके पास में 8 और 12 128 ऐसे शॉपकीपर हैं जो कि आपके पास में 5 से 10% के बीच में टैक्स वो भरते हैं। आगे क्या कहते हैं, एंड 75% रेट ऑफ सेल टैक्स वॉज 15%, मतलब क्या है 75% लोग ऐसे हैं जो 15% तक टैक्स भरते हैं। तो बच्चे 75% कितने, 75% लोग ऐसे हैं जो कहां तक टैक्स भरते हैं, 15% तक, टिल 15% कहां तक टैक्स भर देते हैं, टिल 15% जो है आपके पास में सेल टैक्स पे करते हैं 75% लोग। तो आपको एक बात मालूम है कि 50% तो आपको पीछे ही मालूम है कि 50% लोग कौन कितना भर रहा है, तो कुल 75% लोग ऐसे हैं जो कि 15% तक टैक्स भरते हैं, तो 50% का हिसाब तो मेरे पास में है ही ना पीछे का, तो बस कितने बच गए 50% में से, बाकी बच गया 25% लोग। तो 25% जो लोग बच गए ये हमारे पास में 15% में, 10 से 15% के बीच में आएंगे 25% लोग, क्लियर है। 75% लोग तो पूरा का पूरा 15% तक टैक्स भरने आए लोगों में 75% लोग आ रहे हैं, तो 50% लोगों का हिसाब मुझे पहले से मालूम है कौन किस में आ रहा है, तो बाकी रेस्ट ऑफ 25% लोग किस में जा रहे हैं, वो 10 से 15% पे कर रहे हैं टैक्स, तो 25% आप निकाल लेंगे इसका, तो आप इसका 25% 400 का निकालेंगे, मतलब 1/4, तो 100 लोग हो गए, कितने हो गए 100 लोग हो गए। अब आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है इफ ओनली 8% ऑफ शॉपकीपर पेड द सेल टैक्स एट द रेट ऑफ द ग्रेटर देन 20% बट नॉट द ग्रेटर देन 25%,
तो बजट 20 से ज्यादा 25 से कम कितने लोग हैं? 8% लोग हैं। तो 8% लोग कितने आएंगे आपके? 400 टोटल शॉपकीपर हैं और इसका 8% तो कितना हो गया? 32। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने परसेंट आपका हो चुका है। 50% यहां हो चुका है, 75% आपका हो गया, 75 और 8 आपका 83% हो गया। तो बचा कितना आपका? 17% बचा, जो कि आपका 15 से 20% में आपका आएगा। क्लियर है बच्चे? अब आप 400 का 17% आप निकाल लेंगे कि 400 टोटल शॉपकीपर, इसमें 17% लोग ऐसे हैं, तो सॉल्व कर लें तो कितने हो गए आपके पास में? 68। नहीं क्लोज, नहीं ऑफ है। डन बच्चे? क्लियर है? समझ गए? अब आपके पास में क्या है? आपके पास में इंटरवल्स है, आपके पास है फ्रीक्वेंसी। अब मोड निकालना है आपने, तो मोड किस तरीके से आप निकालते हैं बताइए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास में? आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, मोड में क्या करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास में जरा बताएंगे आप? 128 दिस वन, 128। ये इंटरवल आपका सेलेक्ट होगा ना। अब इसमें आपके पास में, इस इंटरवल में आपके पास में क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपके पास में एल है 5, आपके पास में आई भी क्या है 5, और आपके पास में एफ वन क्या है 128, और आपके पास में, खैर हम डायरेक्ट सीधा मैं कर रहा हूं, स्पेस कम है तो मोड का फॉर्मूला लगा देता हूं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। अब इसमें आप मोड निकाल रहे हैं तो मोड कैसे निकलेगा आपका? एल, एल क्या है आपका 5 प्लस, ये आपका एफ वन होगा, ऊपर वाला आपका एक कम एफ जीरो और नीचे वाला एक ज्यादा एफ टू। तो एफ वन आपका 128 माइनस एफ जीरो 72 अपॉन 2 इंटू 128 माइनस 72 माइनस एफ टू 100 इंटू आई, ठीक है। और आई के बारे में बात करते हैं तो आई आपके पास में क्या हुआ? 5। सॉल्व करेंगे अगर हम इसको तो हमारे पास में 5 प्लस 1 माइनस 72 56 और 128 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 72 माइनस 100 84 इंटू 5 इक्वल्स टू, फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा? 56 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 5 प्लस 5, तो आपके पास में क्या है? 8.33, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो टैक्स पे किया जा रहा है वो 8.33%, सबसे ज्यादा टैक्स रेट जो है, जो लोगों ने सबसे ज्यादा टैक्स पे करा है, मतलब कि टैक्स अलग अलग स्लैब में पे करा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा 5% 10% 15% 20% 25%, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा लोगों ने पे करा है, वो है आपका 8.33%। क्लियर है बच्चे? बात समझे? तो मोड का मतलब ये होगा कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई है, तो 8.33%, इसलिए तो मोड सीखते हैं पता लगे। तो कहीं ना कहीं लोग कंफर्टेबल कहां है? 8.33% में ज्यादा कंफर्टेबल है टैक्स पे करने में। क्लियर है बच्चे? समझे? बात समझ गए? तो कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा सवाल था, सुंदर सवाल था ये।